सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा, आपने उसमें देखा होगा किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, प्लस किस तरीके से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर जो है देख ली थी। अब इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्टेंट वगैरह डायरेक्टली गिवन रहेंगे। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा और वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ के जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन जो है या लीनियर इनइक्वालिटीज जो है आपको फॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x+4y। जिसको मैक्सिमाइज करना होता है या जिसको मिनिमाइज करना होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी क्या है, 3x+4y। उसके बाद जो सब्जेक्टिव फंक्शन है या जो कंस्ट्रेंट है वो है x+y इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं दिया होता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया रहता, तो आप पहले वो फॉर्म करते, लेकिन अभी तो आपको दिया हुआ है तो आप एक काम करो, सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटीज हैं उसको एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन कंसिडर करो। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, अगर इसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स हमको कैसे मिलेगा, तो पॉइंट्स मिलेगा हमको यहां से, देखो ये x है ये y है, एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की जगह 0 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहां से हमको मिल जाएगा, बाकी ये सब तो आप बना सकते हो। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ यहीं पे अगर ड्रॉ करूं इसी में, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये 2, ये 4 और ये 6, फिर ये 2, ये 4 और ये 6, ये -2, ये -4 और ये -6, ये -2 -4। वैसे नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0, 4, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंड 4, 0, ये दोनों चीजें हमारे पास होगी। सो 4, 0, 4 यहाँ है, 4, 0 यहाँ है, इन दोनों से पास होता हुआ एक लाइन जो है हमको ड्रॉ करनी है। तो ये मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमको ये क्लियरली दिखे। तो ये किसका इक्वेशन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। फिर उसके बाद देखो x इज इक्वल टू 0 कौन सा हो जाएगा, ये जो y एक्सिस है यही खुद हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 कौन सा हो जाएगा, ये खुद एक्सिस हो जाएगा। तो अभी तो हमने इक्वल वाला ग्राफ बनाया है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इनइक्वालिटीज वाली चाहिए। तो देखो पहला क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये जो ग्राफ है ना, इसने पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर वाला रीजन, एक पूरा नीचे वाला रीजन। तो ये जो ग्राफ की इनइक्वालिटीज है वो लेफ्ट मतलब अपवर्ड की तरफ है कि नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है, ये हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते, देखो ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। तो मैं इस इनइक्वालिटीज में x के जगह 0 रखता हूँ, y के जगह 0 रखता हूँ, लेस देन 4। तो यहाँ पर 0 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 जो होता है वो 4 से क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब इनइक्वालिटीज का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ होगा। ऐसा क्यों ढूंढते हैं, ताकि हमको एक कॉमन रीजन मिल जाए। उसके बाद देखो अगली वैल्यू क्या है, x की ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ मिलेगी, राइट साइड जाओगे तो मिलेगी। ठीक है, y की ग्रेटर वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तभी मिलेगी ना, जैसे y इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, y इज इक्वल टू 6 ये है। तो
इन सब का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया जो हमको मिला है ना, इसमें भी हमको दो तरीके का एरिया मिल सकता है। अगर हमको बाउंडेड मिलता है, जैसे कि यहां पर देखो जो कॉमन एरिया है वो बाउंडेड है, तो अगर बाउंडेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल। उसके बाद अगर वो हमारे पास बाउंडेड नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफिजिबल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। ठीक है, हमारा ग्राफ लोकेट हो गया। अब जब ग्राफ लोकेट हो गया तो हमको लास्ट में क्या करना है, एक टेबल बनाना है, और टेबल में क्या रहेगा, कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं हम लोग पॉइंट्स का, यहाँ बनाएंगे हम लोग पॉइंट्स का, फिर यहाँ बनाएंगे हम लोग उसके कोऑर्डिनेट का, फिर यहाँ बनाएंगे हम लोग वैल्यू ऑफ जेड का। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, तो लेट से एक पॉइंट है ए, ओरिजिन वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। तो हमारे पास है एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 4। सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4, 0। और इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी जेड की, तो देखो जेड हमारे पास क्या है, 3x + 4y, तो यहाँ तो 0 आएगा। फिर जब आप x के जगह 0 रखोगे तो 3 × 0 = 0, 4 × 4 = 16 आएगा, फिर 4 × 3 = 12 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 16। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 16 जो है हो सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब जैसे अभी हम लोग मैक्सिमाइज में बड़ा वैल्यू पर फोकस कर रहे थे, अगर हमको मिनिमाइज करना होगा तो हम लोग सबसे छोटी वैल्यू को देखेंगे। तो लेट से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। जेड इज इक्वल टू -3x + 4y, लिख लेते हैं इसको। जेड इज इक्वल टू -3x + 4y। उसके बाद है x + 2y < 0, ये सब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। x + 2y < 0, ये है हमारे पास < 8 है, सॉरी। उसके बाद है 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, और x > = 0, y > = 0। तो x > = 0, y > = 0। तो हमको मिनिमाइज करना है, ये तो पता चल गया कि अब ये हमको मिनिमाइज जो है करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हमको सबको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x + 2y = 8, फिर इसको भी अज्यूम कर लेते हैं 3x + 2y = 12, और x = 0, y = 0। अब हमको पॉइंट्स चाहिए, तो इस वाले इक्वेशन के लिए मैं पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करता हूं। देखो आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप चाहो तो जितना भी निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं x के जगह इसमें 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, और अगर मैं y के जगह 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा ये चीज तो आपको पता होगा ना कि मैं 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि x के बाद आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि 0 रखते वैल्यू निकालना ज्यादा इजी होता है, उसको लोकेट करना भी आसान होता है। तो इसीलिए मेरे को मैं ऐसा नहीं कि x के प्लेस में ही 0 रखूंगा, y के प्लेस में ही 0 रखूंगा, कुछ भी रख सकता हूं, x के जगह 2, 4, 5, 6 भी रख सकता हूं, लेकिन ये 0 रखने से जल्दी पॉइंट्स मिल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रखेंगे, तो जब यहां रखेंगे तो हमारे पास यहां कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यहां y आ जाएगा। इसमें जब मैं x के जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जब मैं y के जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इन सबको हमको ध्यान में रखते हुए ग्राफ में क्या करना है, लोकेट करना है। तो लोकेट करते हैं इसको, तो ये बन गया हमारा y एक्सिस, ये बन गया हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। गैप आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो 2, 2 का गैप लेने से तो आ जाएगा x में 8 तक पहुंच जाएंगे, 2, 4, 6, 8। इधर हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू है, 2, 4, 6,
एट। तो देखो पहले वाले इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, तो हमारे पास एक तो आएगा 0.4 आएगा एंड दूसरा क्या आएगा 8.0 आएगा। तो 0.4 कहाँ आएगा, 0.4 ये वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर 8.0 यहाँ आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि उस इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.6 और 4.0 होगा। इसको लोकेट करते हैं हम लोग, तो 0.6 कहां पर आएगा, ये वाली वैल्यू होगी, 4.0 कहां पर आएगा, ये वाली वैल्यू होगी। तो अब दोनों को फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से, तो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 0 कौन सा आएगा, ये y एक्सिस खुद हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब हमको इनइक्वालिटीज का ग्राफ चाहिए, ये तो इक्वल का ग्राफ मिला है, इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे मिलेगा, तो देखो हमको चेक करना है कि ये जो 3x plus 2y is equal to 12 है, इसने लाइन को जो है, मतलब इसका एरिया, इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मिलेगा कि नीचे की तरफ मिलेगा। तो x और y के जगह 0, 0 रखते हैं क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। तो देखो जब मैं यहाँ पर 0 और 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 से लेस देन होती है, मतलब 12 से 0 छोटी होती है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ कोई एक पॉइंट होगा जो उसको हमको सॉल्यूशन जो है देगा। इस लाइन के नीचे आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा आपको कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, कौन से कंडीशन को, 3x plus 2y is less than equals to 12 को। याद करो क्लास 11th में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं डिटेल में ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये सब चीजें आप डिस्कस कर चुके हो। फिर अगला है देखो, x plus 2y is equal to 8, x plus 2y is less than equals to 8। इसमें भी जब मैं x और y की जगह 0, 0 रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 0, और 0 जो होती है वो 8 और 8 से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब ये वाले का भी सॉल्यूशन हमको कहाँ मिलेगा, इस प्लेन के नीचे वाले हिस्से में जो है मिलेगा। फिर x और y की वैल्यू ग्रेटर देन है तो x की ग्रेटर वैल्यू इधर मिलेगी, y की ग्रेटर वैल्यू इधर मिलेगी। तो सबका कॉमन रीजन कौन सा मिला हमको, सबका कॉमन रीजन है कौन सा, ये वाला। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन सबका कॉमन रीजन है। तो आप यहाँ पर इसको शेडेड कर लो, ये आपका शेडेड वाला जो रीजन है ना, ये आपका कॉमन है। आपको क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, तो ये मान लो ए हो गया, ये मान लो आपका बी हो गया, ये मान लो आपका सी हो गया, ये मान लो आपका डी हो गया। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी का तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डी का तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास, देखो एक तो है हमारे पास 3x plus 2y is equal to 12 है और दूसरा है हमारे पास x plus 2y is equal to 8। दोनों में 2, 2y है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, 2x is equal to 4, तो x is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमको 2 मिली, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसमें पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमको मिली, यहाँ 2 रखेंगे, 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 6, 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 3 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। अब आप एक टेबल बनाओगे यहाँ पर, वो टेबल किसका बनेगा, पहला जो बनेगा पॉइंट्स का बनेगा, फिर यहाँ पर जो दूसरा बनेगा वो कोऑर्डिनेट का बनेगा, फिर तीसरा जो बनेगा वो वैल्यू ऑफ z बनेगा। तो एक पॉइंट है हमारे पास a, b, c, d। a का कोऑर्डिनेट है 0.0, b का कोऑर्डिनेट है 0.4, c का कोऑर्डिनेट है 2.3 और d का कोऑर्डिनेट है 4.0। अब इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या आती हैं देखो, तो z जो हमारे पास फंक्शन था वो कितना था, -3x plus 4y था। सो 0, 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर मैं जब 0.4, तो 4, 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
फिर 2 3 जार माइनस 6, 4 3 जार 12, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 3 जार माइनस 12 आ जाएगा। तो देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है 12, तो इसका जो मिनिमम सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 4 कॉमा जो है 0 होगा। मिनिमम वैल्यू हमको इस वाले पॉइंट से जो है मिला है, ठीक है। चलो अगला है, फिर से आपको मैक्सिमाइज करना है, ये भी कर सकते हो, इसको भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं मिनिमाइजेशन का, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि देखो बाकी सब में तो लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, एक 4 है और एक 6 है जिसमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 4 और 6 में से 6 वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x प्लस 2y, सो z इज इक्वल टू x प्लस 2y। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और x और y दोनों की वैल्यूज ग्रेटर देन है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर सब्जेक्टिव फंक्शन को हमको सॉल्व करना है तो हम लोग अज्यूम करते हैं लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 पहले लोकेट करेंगे ग्राफ में, तभी तो कुछ कर पाएंगे। फिर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर यहां पर है देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अगर हमको अनफिजिबल रीजन अगर मिलता है ना, तो अनफिजिबल रीजन अगर मिलेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं करेंगे, और अगर हमको फिजिबल रीजन मिलता है तभी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अटेम्प्ट जो है करेंगे, ठीक है। तो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम लोग अनफिजिबल रीजन है करके जो है हम लोग छोड़ सकते हैं। चलो इसके लिए अब हम लोग पहले निकालते हैं पॉइंट्स निकालते हैं, तो पॉइंट्स कैसे निकलेगा, तो वही काम करते हैं, एक बार सॉल्यूशन में यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं जिसको प्लॉट कर पाना इजी हो जाए। तो अगर मैं x के जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और अगर मैं y के जगह 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसा पॉइंट लो जिसको लोकेट करना इजी हो। अच्छा यहाँ लेस देन नहीं आएगा, यहाँ इक्वल आएगा, अज्यूम किए हुए ना हम लोग, सो इज इक्वल टू, इसका जब बनाएंगे तो कैसे आएगा देखो, x और y, x में जब 0, अच्छा सॉरी 6 है ये, मैं 0 लिख दिया था, 6 है, अगर x के जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, और अगर मैं y के जगह 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आप ऐसे पॉइंट मतलब लोकेट करना, मतलब ऐसे पॉइंट ढूंढना जिसको लोकेट करना क्या हो आसान हो। तो देखते हैं फिर हम लोग क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं, ये तो हो गया, अब इसको ग्राफ में लोकेट कर देते हैं। ये बन गया वाई एक्सिस, बन गया एक्स एक्सिस, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, फर्स्ट पॉइंट कहां पर आएगा देखो 0,3 पर, और कहाँ आएगा 1,1 पर, ये कहाँ आएगा 0,3 पर, और कहाँ आएगा 6,0 पर। तो 0,3 यहाँ पर है हमारे पास, और 1,1 जो है कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का लाइन, यहाँ से पास होगा। दूसरा पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है जब हमने x के जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आई 3, तो 0,3, ओके एक मिनट ना, ये वैल्यू मैंने गलत कर दिया, 0,3 है ना, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है कितनी आएगी, तो यहां पर आएगा ना वो पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है 0,3 यहां पे आएगा,
और 1.1, 1.1 यहाँ आएगा, तो ये इन दोनों से जाएगा ऐसा। उसके बाद देखो 0.3 अगेन यहाँ आएगा, 6.0 जो है यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ से ये कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है बनेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, देखते हैं इनका कॉमन रीजन जो है हमको किस तरफ जो है मिलेगा। ठीक, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर x और y दोनों के जगह 0.0 रखते हैं तो क्या 0 कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता। मतलब इस वाले लाइन का सॉल्यूशन नीचे की तरफ तो नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर होता तो वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता। सो 2x प्लस 3y वाला जो है वो ये वाला है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है? नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसमें भी रखता हूँ x के जगह 0 और y के जगह 0, तो 0.0 आएगा प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0। क्या 0 जो है 6 से कभी भी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब इसका भी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमको? ऊपर की तरफ जो है मिलेगा। तो इसका कॉमन एरिया कौन सा बना? इधर का जो पूरा रीजन है ये हमको क्या मिला? इसका कॉमन एरिया मिला। अब एक कॉर्नर पॉइंट तो हम लोग इसको ले सकते हैं और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये ले सकते हैं। तो जब हमारे पास पॉइंट आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट और यहाँ पर वैल्यू ऑफ जेड। तो एक पॉइंट है मान लो ये वाला ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है होगा हमारे पास 0.3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 6.0। तो जब हम लोग फंक्शन में x के जगह 0 और यहाँ रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी 6 और यहाँ भी आएगी 6। तो देखो दोनों वैल्यू 6 हैं और 6 हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो जब आप किसी ग्राफ को सॉल्व कर रहे हो और उस ग्राफ को सॉल्व करने के बाद अगर आपको वैल्यूज जो है सेम मिल जाती है, जैसे यहाँ पर दोनों वैल्यू 6 हैं, तो इसमें मिनिमम तो डिसीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो देखो उस केस में ये याद रखना, ये एक ही लाइन के पॉइंट्स है ना, 0.3 और 6.0 एक ही लाइन के पॉइंट्स है। कौन से लाइन के? इस लाइन के। जब आपकी वैल्यू सेम आ जाए तो ये समझ लेना कि इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लो और उसको फंक्शन में रख दो। कौन से फंक्शन में? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आपको हर बार सेक्स ही मिलेगा। तो इस केस को बोलते हैं मोर देन टू सॉल्यूशन। ठीक, तो जब एक ही लाइन के पॉइंट्स को रखने से सेम सेम वैल्यूज मिल जाए तो उस लाइन में बाकी अदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को रखने से आपको क्या मिलेगा? सेम वैल्यूज जो है मिलेंगे। देखो यही क्वेश्चन यहां पर है, देखो सो दैट मिनिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट द मोर देन टू पॉइंट्स। अभी हमारे पास था कि नहीं, मिनिमम वैल्यू जो थी वो क्या थी? दो जगह पे थी। उसी तरीके से अभी वो तो गलती से आ गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब गलती से नहीं को इंसिडेंट ही आ गया था। अब तो 7, 8, 9, 10 वो खुद से बोल रहे हैं कि आप प्रूफ करके बता दो कि आपके पास जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम करना है, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है ना z की वो दो पॉइंट पर है, मतलब दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पर उसकी मिनिमम वैल्यू है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 7 को, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं और आपको करना क्या है। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमारे पास क्या है, देखो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो हम लोग फोकस करेंगे अभी इसमें मिनिमाइज वाले पर। क्यों मिनिमाइज वाले पर? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि उस ग्राफ में दो से ज्यादा पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर z की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी करके। तो एक तरीके से हमको मिनिमम वैल्यू को ही प्रूफ करना है। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में हम लोग, वैसे तो सॉल्व तो पूरा ही होगा, ठीक है, मैक्सिमाइज के लिए भी वही ग्राफ बनेगा, मिनिमाइज के लिए भी वही ग्राफ बनेगा, तो एक साथ जो है दोनों हो जाएगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर रहेगा? हमारा मिनिमाइज पर रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y हमारे पास है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 120। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 120 एक हो गया, दूसरी हो गई x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 उसके बाद है
अगला है एक्स माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्स माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। और बाकी दो कंस्ट्रेंट तो आपके पास रहेंगे ही, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सबको अज्यूम कर लेते हैं कि सब इक्वल वाले हैं। लेट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और है एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। अब सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग। अगर मैं x के जगह जीरो रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, आएगी, क्योंकि x x तो जीरो हो जाएगा, तो 2y is equal to 120, तो y is equal to 60। अगर मैं y की जगह जीरो रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 जो है आएगी। फिर अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूंगा तो देखो इस मतलब ड्रॉ नहीं करूंगा, पॉइंट ढूंढूंगा, तो इसके लिए मेरे को क्या क्या पॉइंट्स मिलेगा, देखो x और y, अगर x के जगह जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू 60 आएगी, y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। फिर यहां पर देखो हमारे पास जो है क्या है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे x माइनस टू वाई, तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू टू वाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो अब यहां पर हम लोग रखते हैं x और y, तो अगर मैं y की जगह 30 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और अगर मैं y के जगह 60 रखता हूँ, y के जगह 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 जो है आएगी। अब सबको हम लोग ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग ग्राफ में जो पॉइंट्स लेंगे, जो गैप लेंगे पॉइंट्स के बीच में, वो 30-30 का रहेगा, ताकि सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएं, लोकेट हो जाएं। तो पॉइंट्स तो आप अपने मर्जी से ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी गैप ले सकते हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सो यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 90, यहाँ आएगा 120, यहाँ आएगा 30, फिर यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 90, यहाँ आएगा 120। अब देखो अगर मेरे को पहले पॉइंट को मतलब पहले इक्वेशन को लोकेट करना है, तो कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 60 और 120, 0। तो 0, 60 कहाँ पर आएगा, ये वाली होगी, 120, 0 ये वाली वैल्यू होगी। इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक लाइन से, तो मैंने इसको यहां से कर दिया ज्वाइन। फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, देखो दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0, 60 कोऑर्डिनेट मतलब, और 60, 0। तो 0, 60 और 60, 0 कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो इसको अब मिला देते हैं हम लोग, ये वाली। अच्छा इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 20 वाली ग्राफ ही है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120 वाली ग्राफ है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। एक और बचा है, देखो फर्स्ट कितना होगा, x में 60 और y में कितना आएगा हमारे पास, देखो सिक्सटी, x में 60 जाएगा और y में 30, मतलब यहाँ कहीं पर आएगा वो पॉइंट, और उसके बाद x में 120 और y में 60 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का पॉइंट जो है मिलेगा, ठीक। अब इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दो ना, अभी हम लोग इनइक्वालिटीज वाले को लोकेट नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है,
इनको जो है इनइक्वालिटीज वाला लेके आना है। देखो इनइक्वालिटीज वाला कैसे लाना है, चेक करना है। तो मान लो मैं यहाँ x और y के जगह 0 रखता हूं, तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0। क्या 0 120 से छोटा होता है? आंसर है यस। मतलब x प्लस 2y 120 वाला का जो सॉल्यूशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये मैंने लोकेट कर दिया डाउनवर्ड। फिर है देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, x प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 0 की वैल्यू 60 से क्या है, बड़ी है। तो मतलब 0 की वैल्यू कभी भी 60 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 60 का सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, मतलब इधर ये है, ठीक है। फिर उसके बाद है देखो, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं, तो 0 तो 0 के बराबर ही हो जाएगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अच्छा अभी डिसीजन, अब आप बोलोगे कि सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया। चलो अगर हम लोगों का आंसर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाले का x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 का ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये 90, 0, क्योंकि ये प्लेन के नीचे है। तो मैं 90, 0 रखता हूँ और वो कंडीशन को देखता हूँ कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो देखो x के जगह मैंने 90 रखा, y के जगह मैंने 0 रखा, तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो 90 होता है 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मतलब 90 पॉइंट्स कहाँ था, नीचे की तरफ था, इसीलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब x is equal to 0 कहां लोकेट होगा, ये x is equal to 0 है, y is equal to 0 कहां लोकेट होगा, यहां। so greater than यहां आएगा, इसका greater than यहां आएगा। इन सब का कॉमन एरिया कौन सा है, तो ध्यान से देखो, इन सब का कॉमन एरिया है आपका ये वाला रीजन, ये जो मैं ग्रीन वाले से लोकेट कर रहा हूं, ये वो रीजन है जो सबका कॉमन है। तो ये जो रीजन होगा, ये रीजन क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन जो है हो जाएगा। चलो अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। सो लेट से ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी है, ये वाला जो पॉइंट है सी है, ये वाला जो पॉइंट है वो डी है। अब हमको सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग देखते हैं। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पहला टेबल रहेगा किसका, पॉइंट का, फिर अगला टेबल रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, फिर वैल्यू ऑफ जेड। तो देखो अगर ये देखो सी और डी का तो निकालना इजी है, सी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 120, 0 हो जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट जो है 120, 0 आएगा, उसको तो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 60, 0 हो जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 60, 0 हो गया। उसके बाद ए और किसका चाहिए, बी का। तो ए कौन कौन से लाइन पर फॉल कर रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 60, और ये वाला किस पर फॉल कर रहा है, x इज इक्वल टू 2y। तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 2y रखता हूँ, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 60, तो 3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू आएगा 20, और दूसरी वाली वैल्यू कितनी आएगी, 40। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, समझ आए कि नहीं। ए पॉइंट किसके किसके इंटरसेक्शन से बना है, इस वाले x वाले इक्वेशन वाले लाइन से, x is equal to x minus y is x minus 2y is equal to 0 से। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का कोऑर्डिनेट आएगा। तो y की वैल्यू 20, y को यहां रखूंगा तो ये आ जाएगा। तो देखो यहां पर a का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक y की वैल्यू 20 रखेंगे तो 40, 20, तो ये हो जाएगा 40, 20 हो जाएगा। उसके बाद देखो बी कौन कौन से लाइनों पर फॉल कर रहा है, तो एक तो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारे पास यही वाला लाइन x इज इक्वल टू 2y। तो इसमें आप x इज इक्वल टू 2y रखोगे तो 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा, देखो अभी हमको b का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो b कौन कौन से लाइनों पर आ रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 2y वाले लाइन पर आ रहा है, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 में आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x का जगह 2y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 120, तो y is equal to आएगा 30, तो
y इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये मिलेगा हमको 60, 30। तो हमने सारे पॉइंट जो हमारे कॉर्नर पॉइंट थे वो हमने क्या किया, यहाँ पे ढूंढ लिया। अब हम लोग इसके करिस्पॉन्डिंग क्या देखते हैं, z की वैल्यूज जो है देखते हैं। तो z की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, देखो z हमारे पास क्या था, तो z था हमारे पास 5x plus 10y। मैं चाहूंगा तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, z is equal to 5x plus 10y। चलो x का जगह 40 रखेंगे तो 45 से 200 और ये हो जाएगा 200। सो 200 plus 200 कितना हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 60 रखूंगा तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 300, मतलब यहाँ आ जाएगा 600, यहाँ भी आ जाएगा 600 और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 300। तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो दो पॉइंट्स हमको ऐसे मिले जहां पर वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम है। एक पॉइंट ये है 60, 30, दूसरी वैल्यू है 120, 0। तो दो पॉइंट पर हमने बता दिया। अच्छा ये मिनिमम के लिए बोला था, कोई बात नहीं, मैक्सिमम के लिए भी, तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम के लिए था ना, तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से किसी एक का भी सॉल्यूशन अगर दो जगह पर सेम मिलता है, इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो बाकी के क्वेश्चन जो है आप खुद से कंप्लीट करना, 8, 9, 10 सिमिलरली आपको ग्राफ बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 3-4 टाइप के हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम लोग अपने जो कॉस्ट है बनाने का उसको कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा बेस्ड हो सकता है डाइट प्रॉब्लम पर, डाइट कैसे बनाया जाए। तीसरा बेस्ड हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पर। तो इस तरीके से 3 प्रॉब्लम जो है हमको मिलेंगे, तो उसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।